रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज हम बात करेंगे अपने डेटा के ऊपर एक रिपोर्ट्स एक डैशबोर्ड्स बनाने का हम बात करेंगे। तो डेटा क्या है समझ लीजिए, और डैशबोर्ड हम पिवट टेबल से बनाएंगे तो उसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे पास जो डेटा है वो तो बेसिकली डेटा हमारा एक सेल्स का डेटा है जो कि तकरीबन 10 सालों का है, जिसमें सेल्स की वैल्यूज है, ऑर्डर वैल्यूज है, सेल्स वैल्यूज है, क्वांटिटी सोल्ड है, डिस्काउंट रेट है, प्रॉफिट है, टोटल वैल्यू है, सब कैटेगरी कैटेगरी रीजन मतलब स्टेट समझ लीजिए मैंने लोकेशन, कस्टमर टाइप है कि कस्टमर ने किया है, कंज्यूमर से कस्टमर या कॉर्पोरेट ने या होम ऑफिस ने या एनजीओ ने और किस जोन में सेल हुआ है। तो डेटा हमारा ये है, अब इस पर हमें डैशबोर्ड बनाना है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड बनाते समय हम डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग तैयार करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके पहले तो सबसे सबसे पहला कॉलम को हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं क्योंकि ये बॉर्डर के लिए काम आता है। उसके बाद हमने इन तीन को इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज कर दिया। बी और सी को आपने मर्ज कर दिया। हाँ मर्ज करें, मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं। मैंने इसे किया ताकि यहाँ पे हम एक लोगो लगा सकें, एक कंपनी का लोगो आप यहाँ पे फिट कर सकते, क्योंकि हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्टाइलिश होना जरूरी है ना सर। क्या सर, कहाँ से ले आए आप? ये गूगल से ले लिया, कॉपी पेस्ट कर, समझे? ठीक है, गूगल में आइकन में जाके आया, अब जाके सर्च करूंगा, दिखाऊंगा, मैंने सर्च करके रखा हुआ है, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, आप सर्च कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक संभावित एरिया जहां तक आपका रिपोर्ट बने उसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कलर कर, कलर कुछ भी हो सकता है उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स रिपोर्ट लास्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे 2010 टू 2020। और इसको करने के बाद मैं इसको सबसे पहले वर्टिकल वर्ड जो सेंट्रल कर देता हूँ, इसको इधर साइड में रहेगा सही रहेगा, और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 14 के जगह 36 कर देता हूँ, इसकी कलर को कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर कर देता हूँ व्हाइट, क्योंकि डार्क कलर पे हमारा व्हाइट अच्छा दिखेगा। और यहाँ हम कंपनी के नेम को लिखेंगे, मर्ज कर देता हूँ, मर्ज आईपीटी एक्सेल स्कूल। ठीक है सर, और इसको यहाँ से हम सेंट्रल लेफ्ट में जगह पे मिडल, और इसकी भी कलर हम कर देते हैं वाइट, और इसको भी हम कर देते हैं बड़ा 36। और रिपोर्ट कब बन रही है उसका डेट हमें यहाँ लिखना है, इन तीनों को मर्ज करके डेट, और मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 सितंबर को 22 को बना रहा हूँ, और
इसको भी सेव कर। रिपोर्ट बनाने में फॉर्मेटिंग वगैरह और डिजाइन वगैरह में ही टाइम लगता है। रिपोर्ट एकदम घर की तरह होता है, जब आप घर बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगता है सर? नींव देने में, उसको सजाने नींव में, वगैरह ढलाई तो हो जाती है, टाइम और सजाने में, पैसा सजाने में। या उसकी प्लास्टर, उसकी कलर, उस सब करने में टाइम लगता है ना सर। हाँ अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक बैकग्राउंड एरिया, यहाँ पे सर मैं एक गलती किया सर, ये गलती आप मत कीजिएगा। एक बैकग्राउंड, एक संभावित एरिया कहाँ तक आपका बन सकता है, वहाँ तक एक संभावित एरिया को सेलेक्ट करके उसकी बैकग्राउंड कलर को आप हल्का ग्रे कलर में, लाइट कलर में रख दीजिए, ठीक ठीक है। और एक ग्रिड लाइन कहाँ से अटता है, व्यू में अटता है ना कि नहीं? डेडलाइन हाँ व्यू में अटता ये है, रहा। हाँ वहां हटा दीजिए। हट गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ ये चीजें लेनी है, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लिया, एक ही सेल में हो सकता है, मर्ज करने की जरूरत, यहाँ मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद हमें बगल वाला मिडिल इसकी जो मिडल कलर है ना, जो इसकी कलर है उसको आप कर दीजिए व्हाइट, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, दिख रहा है ना सर? इस पे और अच्छा दिखेगा अगर हम इसकी बॉर्डर पे जाएं और बॉर्डर का कलर हम ग्रे कलर में हल्का सा डार्क ग्रे कर लें और ये हम राउंड में कर लें, और बॉर्डर की जो स्टाइल है थोड़ा सा मोटा लेके राउंड में, और बेटर दिखेगा क्या सर? हाँ अब यहाँ पे आएगा हमारा, इसकी जो बैक, नहीं इसकी बैकग्राउंड व्हाइट नहीं करना है, माफ कीजिएगा, इसकी बैकग्राउंड मुझे करना है कर लो। इसमें हमें टोटल सेल्स, और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसकी कलर जो है टेक्स कलर को व्हाइट कर देना है, होल्ड, और इसको 24। अब इसी को कॉपी करना है, एक कॉलम छोड़ना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये जो एक कॉलम छोड़ा है उसको हमें कर देना है छोटा, और टोटल सेल्स की जगह पे आ जाएगा टोटल ऑर्डर, ठीक है। और इसको अनमर्ज कर दीजिए, क्योंकि हमें दो कॉलम में ही पूरा हो जा रहा है ना, इसे दो को सिलेक्ट करके मर्ज करते हैं, ये बाकी का कॉपी करके इसके ऊपर तक पेस्ट कर दीजिए, ठीक है सर? देखो छोटा भी कर सकते हैं बाद में, इसकी छोटा बड़ा तो बाद में करते रहेंगे, पहले हम बना लेते हैं, ठीक इसको सेलेक्ट किया, इसको छोटा कर देते इसकी शायद 36 से कम करने का। ये बॉर्डर क्यों पड़ गया, स्क्रीन पे क्या पड़ गया? थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ठीक है, तो बड़ा तो हो जाएगा बाद में, इसको छोटा कर देते हैं। तो टोटल ऑर्डर आएगी, फोटो ऑर्डर के बाद यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे, यहाँ डिस्काउंट देंगे, कॉलम को छोटा करते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्काउंट डिस्काउंट
उसके बाद सेम कॉपी करके हम इसके एक कॉलम एक एक कॉलम छोड़ते जाएंगे और उस कॉलम को छोटा करते जाएंगे। टोटल डिस्काउंट के जगह पे टोटल प्रॉफिट ऊपर वाले को सिक्स और साथ ठीक करना पड़ेगा सर, क्योंकि छोटा कॉलम छोटा होने देखा और जगह कम पड़ेगा तो उसको सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉलम बढ़ा देंगे और यहाँ पे जो है टोटल टोटल प्रॉफिट के बाद यहाँ पे आएगा आपका CUTY/order, पर क्वांटिटी कितना ऑर्डर, पर ऑर्डर कितनी क्वांटिटी, कितना परसेंटेज है सॉरी, और इसको वापस करके यहाँ पे रखना है ऊपर छोड़ के, ये सब फिर ऊपर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ऊपर को दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं डिस्काउंट डिवाइड बाई सेल्स और फिर यहाँ पे फाइनल सेल्स, कॉलम को छोटा करते हैं यहाँ से और यहाँ भी कॉलम को छोटा करते हैं और इसको कॉपी करके सॉरी इसको करके आगे तक ट्रैक, बाकी जो टाइप अप करना है ना ये टाइप हम बाद में करेंगे, ठीक है ना, जब रिपोर्ट हमारा तो ये ऊपर का हेडिंग हम ये हमारा अब क्या हो गया पूरा हो गया, ये हो गया ठीक है। उसके बाद यहाँ हम अभी ऊपर हेडिंग आप डाल दीजिएगा, हेडिंग ऐसे डला हुआ है इसको एक बार हम सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, मर्ज हो जाएगा, हो गया सही, इसको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके आगे की तरफ सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, अब सही। अब बात आती है कि इसके अंदर जो चीजें हम डालेंगे इसको एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके अंदर हम डालेंगे अपना टोटल, इसकी कलर कर देते हैं व्हाइट, इसको सेलेक्ट करके कर देते हैं मर्ज, सेम यहाँ भी सेलेक्ट करके हम करते हैं कलर को व्हाइट, यहाँ व्हाइट करते हैं और इसको मर्ज करते हैं, बॉर्डर वगैरह लगाना है तो वो चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हाँ अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसमें कुछ टाइप तो करना नहीं है, इसमें लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। अब बात आती है पिवट टेबल, तो पिवट इसको सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट पिवट टेबल, पिवट टेबल एंड क्रिएट करते हैं यहां एक नई शीट पर,
अब मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे इसमें सबसे पहले टोटल सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सेल्स, इधर तो ठीक नहीं चाहिए। टोटल सेल्स के अंदर यहाँ पे सेल वैल्यू को उठा के हमने क्या रखा, वैल्यू। फिर वैल्यू यहाँ पे वैल्यू में हमने रखा टोटल सेल्स, आ गया टोटल सेल्स, सम ऑफ सेल्स, टोटल ऑर्डर्स वैल्यू, क्वांटिटी यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर वैल्यू, उसके बाद देखते हैं सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, सम ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट, ये चीजें हो गई। सम ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट में हमें एवरेज देना चाहिए, ठीक है ना। सम एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 9%। सम ऑफ डिस्काउंट सही है और बाकी चीज सही है। अब इसको मुझे डेटा में वहां लिंक करना है, कहाँ पे, अपनी डैशबोर्ड। तो यहाँ हम इक्वल प्रेस करके और पिवट टेबल 1 पे आके और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सम ऑफ वैल्यू, ठीक है सर। अब इसके ऊपर हमारे पास फॉर्मेट में ही नंबर फॉर्मेट आता है, नंबर में यहाँ आपके सामने कस्टम नंबर फॉर्मेट आता है, राइट। क्योंकि तो मुझे अमाउंट को के में ठीक चाहिए, एमआरपी यहाँ दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 और यहाँ पे हमने के कर, ठीक है, और अप्लाई कर डबल दिए। जीरो ठीक है इसको यहाँ पे हमने मिडल कर दिया, इसको हमने सेंटर कर, और यहाँ पे हमने बढ़ा कर, समझे सर कि नहीं समझे सर। ठीक है, ये तो समझ गया। तो यहाँ इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर देते, 24 से लेते और बोल्ड भी कर देते। उसी तरह से अब इसको लिंक करेंगे और पिवट टेबल 1 में जाते हैं, और पिवट टेबल 1 में जाने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे अपनी सम ऑफ ऑर्डर की, ठीक है, और सम ऑर्डर पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करें। ए फॉर्मेट पे एंटर है दीजिए और यहाँ पे पेंट कर दीजिए। एक में और कर सकते हैं आप यहाँ पे अमाउंट, एक मिनट, हमने एक छोटा सा गलती किया इसमें से। हमें फॉर्मेट पे जाना होगा, नंबर, कस्टम नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे हमें ऐसे नहीं, हैश हैश कॉमा एंड यहाँ के करना है, इसे क्या होगा, अमाउंट इन के में आ जाएगा, मतलब कि 1000 में कन्वर्ट हो गया, समझे। अब इतना बड़ा अमाउंट देखने में दिक्कत होगा, हैश हैश कॉमा, का क्या मतलब हैश कॉमन, हैश मतलब जीरो, जीरो या हैश, हैश भी दे सकते हैं, जीरो भी दे सकते हैं, किसी भी नंबर को। इसको डिटेल में मैं आपको कस्टम फॉर्मेटिंग की क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक फिर मैं ऑर्डर वैल्यू पे आता हूँ और यहाँ पिवट टेबल पे सम ऑफ, एक मिनट, हमने टोटल ऑर्डर से, टोटल ऑर्डर 2 बार हो गया ना, टोटल ऑर्डर, टोटल क्वांटिटी सेल्ड था यहाँ, टोटल
QTY, अब यहाँ पे लिंक करके हम पिवट टेबल पे जाते हैं और टोटल क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देते हैं, आ गया। अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग हम इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। फिर टोटल डिस्काउंट, हम टोटल डिस्काउंट पिवट टेबल पे आते हैं, टोटल डिस्काउंट को सिलेक्ट करते हैं और इस पे भी हम यहाँ पे आते हैं और इसको लेके इरा। टोटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज में है तो इसमें हमें परसेंट को सेलेक्ट करना, इसको हमें यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 24 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे हम सेंट्रल कर देते हैं, सेंट्रल। ठीक है, अब आता है क्वांटिटी डॉट ऑर्डर, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना सर, कि क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसके ऑर्डर से। अब इस पे भी अपना नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर, ये समझ में क्या हुआ, कन्वर्टिबल ऑर्डर मतलब समझ में आया आपको? ने इसको डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से मतलब ये हुआ कि ऑर्डर। हमें टोटल ऑर्डर 1086 के मिले थे जिसमें हम 1857 क्वांटिटी को सेल किए, मतलब एक ऑर्डर पे मुझे 0.171 प्रोडक्ट का सेल हुआ, क्वांटिटी का सेल। समझ में आया सर कि नहीं? मतलब 1086 हजार लोगों ने मुझे ऑर्डर भेजा जिसमें हमने 1857 प्रोडक्ट को पीस को भेजा, तो एक ऑर्डर पे कितने पीस बिके? तो 1.71 पर पीस। फिर आता है डिस्काउंट पर सेल, कि हमने सेल कितना किया, यहाँ पे सेल डिवाइड बाय हमने डिस्काउंट कितना दिया, तो सेल और डिस्काउंट का क्या रेट है, तो पर प्रोडक्ट पे हमने पर सेल पे हमने 7.71 का डिस्काउंट दिया। और इसकी भी डेसिमल्स को हम यहाँ पे कम कर देते हैं, ठीक है, और कर देते हैं बोल्ड। और फाइनल सेल, फाइनल सेल कितना, तो डेटा में आप आके देखेंगे तो टोटल सेल्स वैल्यू दिख रहा है ना, दिस इज द फाइनल सेल। तो पिवट टेबल में हम आते हैं और एडिट पे आके एक टोटल सेल्स हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टोटल सेल्स वैल्यू। सो टोटल सेल्स वैल्यू इज द फाइनल सेल्स वैल्यू और यहाँ पे इक्वल, और हम इसको पिवट टेबल में जाते हैं और इसको सेलेक्ट, और इसके ऊपर भी ए जो फॉर्मेट है के वाला वो अप्लाई कर दीजिए तो बेटर दिखेगा, ठीक है ना? अब अप्लाई करना ना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया सर? दिख रहा है ना सर? ओके, तो अभी मैं आपको जिस एक्सेल शीट को मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ना, ये एक्सेल शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, बाकी पूरी रिपोर्ट आप बना के मुझे भेजिए। आप जो नहीं बना पाएंगे तो हम आपको कल की क्लास में समझा दें, ठीक है? पूरा मतलब इतना ही ना जितना आपने बनाया क्या? नहीं नहीं, मैं जो आपको भेज रहा हूँ उस एक्सेल शीट भेज रहा हूँ, एक्सेल शीट को पूरा बनाया हूँ पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है ना? एक्सेल शीट मैंने व्हाट्सएप किया है और बनाया हूँ। अब इसकी बात नहीं, ए भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि ये भी आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की जगह पे एनीवन विथ लिंक कर देता हूँ, यहाँ देखिए एनीवन विथ लिंक करके कॉपी किया और लिंक मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। इससे क्या हुआ कि आप इसको इस लिंक से ओपन कर, इसको बना के पूरा करके भेजिए, और आपसे नहीं होता है तो फिर हम अगली क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करें, ठीक है सर? चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक है।